हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं। शुक्रवार को सितारगंज क्षेत्र में सूखी नदी का जल स्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूखी नदी का जल स्तर लगभग 2.5 मीटर तक बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार सितारगंज में पिछले 24 घंटों में 110 एमएम बारिश हुई है, जिस कारण नदियों में पानी बढ़ गया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी नैनवाल का कहना है कि नदी में जल स्तर बढ़ने से कुछ स्थानों पर क्षति की संभावना है। विभाग की ओर से आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे बिल्कुल भी ना डरें। प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने लोगों को नदी के किनारे ना जाने की सलाह दी। हालांकि गांव के एक ग्रामीण का कहना है कि सूखी नदी से पार जाने वाला पुल केवल 100 टन भार ले जाने के लिए बनाया गया है, लेकिन स्टोन क्रशर से 150 क्विंटल से भी ज्यादा भार के वाहन इस पुल से गुजरते हैं, जिसे रोकने के लिए हमने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया। उसके बाद भी ओवरलोड वाहनों की आवाजाही बंद कराने के लिए प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रतिनिधि उमा शंकर दुबे ने प्रशासन के साथ बाढ़ वाले स्थानों का निरीक्षण किया और राहत बचाव के निर्देश दिए। जिन स्थानों में पानी भर गया है, वहाँ से ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल कर स्कूलों में रखा गया। आज माननीय विधायक श्री सौरभ बहुगुणा जी के निर्देशानुसार अरविंद नगर में आई हुई बाढ़ का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहां पे तहसीलदार एवं कोतवाल श्री प्रकाश सिंह दानू जी के साथ मिलकर के वहां पे लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था कराई गई। सबकी व्यवस्था स्कूल में रहने के लिए, उनको खाने के लिए व्यवस्था कराई गई। और वहाँ जो भी वहाँ से निकलना है तो लोग, कुछ तो लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं अपने घरों को छोड़ करके, लेकिन सबको ये कहा गया कि आप लोग स्कूल में आ जाओ और वहीं पे रहो। रात में बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि कब बारिश तेज हो जाए। कैंसिल हो गई बस।